नोबेल पुरस्कार के लिए नामित बुजुर्ग महिला भी परेशानी और भुखमरी की जिंदगी जीने को मजबूर, बच्चे करते हैं मजदूरी। प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ विकास खंड के जूही ग्राम सभा के जूही कोठी गांव की आदिवासी बुजुर्ग महिला दुईजी अम्मा की हालत भी दयनीय है। दुईजी अम्मा को लोग दुईजी दाई के नाम से भी जानते हैं। अम्मा जो हमेशा दूसरों के हक की लड़ाई लड़ती थीं, चाहे वो महिला उत्पीड़न की लड़ाई हो, खनन मजदूरों के पट्टे की लड़ाई हो, सामंतवादियों के उत्पीड़न की लड़ाई हो, यहाँ तक कि शासन प्रशासन से पानी की लड़ाई भी लड़ी। इसी समाज सेवा के लिए दुईजी अम्मा को सन 2005 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुई थी और 2009 में जी मीडिया ने अवध सम्मान से सम्मानित किया था। ऐसी शख्सियत आज गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। इस शासन प्रशासन द्वारा दी जा रही मदद दुईजी अम्मा और उनके परिवार को नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ी बात, ऐसी शख्सियत के 5 बेटे हैं जो आज भी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दुईजी अम्मा ने बताया कि जो राशन कोटे द्वार द्वारा मिलता था मिला है, बाकी कुछ मदद नहीं मिली। आपको ये बता देना चाहता हूँ, 3 साल पहले एक हादसे में दुईजी अम्मा अपने पैरों से अपाहिज हो गई, चल फिर भी नहीं सकती। शासन प्रशासन आज ऐसी शख्सियत को नज़रअंदाज कर रहा है, जो पूरी ज़िंदगी दूसरों की मदद करती हैं, आज अपने मदद को मोहताज हैं। मैं ग्राम प्रधान होने के नाते दुईजी अम्मा से तकरीबन महीने में एक बार दो बार मुलाकात करने जाता हूं उसके घर पे। दुर्भाग्य से वो विकलांग हो चुकी है, एक बार बाइक से गिर गई थी। उसको बड़े मुश्किल से उसके 2 बालकों को गांव में करीब 15-15 बीसवा जमीन पट्टा किया हूं। उसका एक बेटा राम सिंह, जो अभी मैं उसके लिए ज़मीन पट्टा कर चुका हूँ, अभी कब्जा नहीं दिला पाया हूँ, उसके स्वयं के लिए शौचालय जो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनवाया जाता है, उसके खाते में 12,000 रुपया डलवा चुका हूँ। उसको प्रधानमंत्री आवास देने के लिए मैं बीडीओ साहब से और क्षेत्र के जो हमारे 12 के SDM थे उनसे मैं बात किया था, लेकिन उन्होंने बताया कि इसको पूर्व में आवास आवंटन है, इसलिए इसको आवास नहीं दिया जा सकता। हमारे स्तर से जो हो सकता है, बीच बीच में सरकारी डॉक्टर को बुला करके उसका इलाज, उसके लिए दवा, 1-2 बार लॉकडाउन में हमारे स्तर से उसको थोड़ा बहुत अन्न तेल मसाले दिया गया है। प्रधान जी, ये बताइए कि जैसे दुर्जी अम्मा की स्थिति है, तो सरकार की तरफ से अम्मा को अभी तक वो सुविधाएं नहीं मिली जो जैसी शख्सियत हैं, क्या इस पर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से भी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी ये अपेक्षा करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस जैसी महान शख्सियत को एक अलग टाइप का इनको
सुरक्षा दिया जाए, एक अलग टाइप के इसके लिए व्यवस्था कराई जाए, दूजी देई के नाम से कोई गांव में रोड बनवा दिया जाए, उसके घर तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत है, खड़ंजा लगवा दिया गया है, यही सब सरकार से अपेक्षा है कि उसके लिए कुछ अलग किया जाए। आपका परिचय? विमल कुमार सिंह, ग्राम प्रधान जूही। नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग शंकरगढ़ के जूही कोठी गांव में खड़े हैं। ये गांव सिर्फ एक गांव नहीं है, ये गांव एक आईना है समाज का, क्योंकि हम यहां पे आपको आज मिलवाएंगे दुईजी अम्मा से या दुईजी दाई से। ये और कोई नहीं थी, आज से 40 साल पहले ये वो शख्सियत थी जिसने दहेज प्रथा से लेकर खनन माफिया तक हर एक के खिलाफ मोर्चा खोला, और इस मोर्चे पे इन्होंने गांव के लोगों का साथ लिया, और इसी साथ के साथ इन्होंने ये लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई जब इन्होंने शुरू करी तो इनका विरोध गांव के ही लोगों ने किया। इसका कारण था कि एक महिला का उस समाज इस समाज में इस तरीके से बाहर निकलना लोगों को खटकता था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। एक एक करके गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया, और 40 साल तक इन्होंने इस सिर्फ और सिर्फ लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। आज ये पैर से अपंग जरूर हैं, लेकिन आज भी अंदर वो जोश वो रुतबा भरा पड़ा है कि आज भी कोई लड़ाई हो तो शायद दुईजी अम्मा सबसे आगे हो। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये लड़ाई कैसे लड़ी और इस लड़ाई को लड़ते हुए उनको क्या क्या समस्याएं आई। आइए हम मिलते हैं दुईजी अम्मा से। अम्मा, आज आपने एक लड़ाई लड़ी, 40 साल पहले एक लड़ाई मुहिम शुरू करी थी और जो आज तक लड़ाई चली, इस लड़ाई में आपको क्या क्या परेशानी आई और किस तरह की परेशानी आई? इसमें परेशानी तो ऐसा आई ना, मार पीट, घर का मन सेरुआ मार है, बहराव के मार पीट, जुझ, अदालत, थाना, पुलिस, अपना थाना पुलिस नहीं चिन्हा कर है। जब यह लड़ाई खड़ी की है तब से फिर ज़्यादा लागर नहीं, थाना, अदालत, इस डेम, कलेक्टर, जज, तब हम पर जाने लागन ना, कहो कहो मनसेरू बलात्कार का है, तमारी इधर उधर आऊँ बाऊँ ना, तो फिर जाए पड़े, तो क्या कहते हैं माँ लड़े पड़े, बताए पड़े, कहे पड़े, ओकर फैसला होए। अम्मा, आपके पति ने, आपकी सास ने कभी आपको रोका नहीं इस मैटर में आगे निकलने के लिए कि आप जाती थी? नहीं, हमारे पति रहने नहीं थे, पति खत्म रहे हैं। अच्छा। जब से चालू भैया तब पति फिर खत्म है, थोड़ा थोड़ पहले रहा है तब नहीं रोका क्यों कर रहे, फिर बीच में वो खत्म हो गई हैं, तो फिर हम छुट्टे रहे, बिटवे हमारे रहे हैं तीन थे, चार थे। अच्छा। हाँ, तो बिटवे उठवे नहीं थी, अच्छा नहीं। तो आपके परिवार ने आपका पूरा साथ दिया? हाँ हाँ, पूरा हाँ परिवार, हाँ गदेला रहे, बेटे बेटा बुआ साथ दे, कहाँ जानत रहे बेचारे भैया कि घर गाँव में रह रहे, घर गिरती देखत रहे, हम अपन नी सोचे लड़त रहे। हाँ। अम्मा, समाज में आपके जो परिवार के और भी लोग थे, मतलब रिश्तेदार, नाती रिश्तेदार, उन्होंने कभी कोई आपका विरोध तो नहीं किया? नहीं, विरोध करत रहे हैं, रोकत रहे हैं, जौन सयान बैठवा रहा वो रोक रहा है, कहे तुम कहाँ फालतू बाग रही है, वो तो फालतू परिवार और परिवार कहाँ कि फालतू बाग रही हैं, भाई हम कहीं की हो या कहा जाइए बुआ यहाँ, अब हमका फालतू बाग ये सोसाइटा कि नहीं फायदा तो फायदा हमका भवे भा, हमका भा संसार का भा, नहीं पांच पौआ बड़ी मिलत रही है, पांच पाव वहू मज्जाबा वहू में का कहते हैं गदेला, हमारे पास न पढ़ पामा न लिख पामा, न स्कूल रही आए है गाँव में, पढ़ा लिखा नहीं पावर रहे, कहाँ गोरु चरामा, कहाँ भाई चरामा, बड़ी पतन रही दादू, तो यह लड़ाई लड़ा लड़ सब समय पर 10 किलो बनी हुई है, अका 200 मेहरुअन का, 250 मनसेरुअन का मिला लग जाकर किसान काम करावत है जाने, तब पेट भर खाए का होला मिल जाता है कमाने तक। ये थी हमारे साथ दूजी अम्मा, उन्होंने आज साफ बताया कि सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, जो मनरेगा और नरेगा में इनके बच्चे और बहुएं काम करके जो कमाती हैं उसी से ही घर का खर्चा चलता है, ले दे के राशन के कोटे में जो अनाज मिल जाता है उसी अनाज से ज़िंदगी कट जाती है, लेकिन
इनके जज्बे ने हिंदुस्तान में एक ऐसी लौ जलाई जो नोबेल पुरस्कार तक लेके गई। जी हाँ, ये वही दूजी अम्मा हैं जिनको 2005 में विश्व शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमें अब सरकार को साथ मिल के ये सोचना चाहिए कि ऐसी औरत जिसने देश का नाम इतनी दूर तक लेके गई और पढ़ाई के नाम पे जिसके पास काला अक्षर बहस बराबर हो, इस औरत का सम्मान और इसका हक इसे देना चाहिए। सरकार से यही सी अपील के साथ मैं इंद्रजीत बनर्जी, यूपी न्यूज़ 70, प्रयागराज।